लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर जो संशय बना हुआ था वो अभी भी बरकरार है। जबकि आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को यहां से टिकट दे दी गई है। इसके बाद पप्पू यादव शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं और फिर वो तय करेंगे कि आखिर चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए पप्पू यादव से सीधे हम बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर, इस उम्मीदवारी को लेकर उनका क्या कहना है। पप्पू यादव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट सीट लोकसभा उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया है। ऐसे में तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से टिकट क्यों नहीं दी गई। सबसे पहले पप्पू जी, आपको केबीसी में समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत केबीसी की सबसे पहला सवाल है आपको प्रणाम। सबसे पहला सवाल है कि आपकी पार्टी को विलय करने की स्थिति क्यों है। जब लार्जर कॉज होता है और लंबा संघर्ष की बात है, 40 साल का लंबा संघर्ष, दो दो बार विधानसभा का चुनाव, सवा 2%, 2% वोट आना, तो चुनाव लड़े इसके पहले भी पर सपा, पहले भी जनता दल में हम नेशनल कमेटी में थे, रामलाल जी के साथ चीफ सेक्रेटरी मंडल थे, सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और फिर जब पार्टी बना के भरने की बारी आई और लगातार पार्टी राजनीति को सेवा बना लिया, मदद और संघर्ष बना लिया, पटना का बाढ़ हो या कोरोना, जनता के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमेशा जात पात, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, नफरत की राजनीति, एक दूसरे के अधिकार और विचारधारा को गाली देने की राजनीति, जो मेरे से संभव नहीं था। मैं कोई जात पात कर ही नहीं सकता। मेरा हमेशा से ये प्रश्न रहा कि जो सीमांचल है, कोसी है, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, इनको एक नंबर कैसे किया। यहाँ बाढ़ से मुक्ति, अन्य चीज़ों के लिए, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब और गरीबी है इस इलाके में, और उस गरीबी को खत्म करना, उस गरीब शब्द जो उनके आंसू के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, तो ये मेरे लिए संकल्प था। जब मैं लगातार सेवा, लेकिन उसका जब चुनाव की बारी आई, जो बीजेपी के नेता एक बार भी वहाँ नहीं गया, चुना वही जीत गया शायद, मुझे लगा कि राजनीति में सभी जगह गठबंधन की बात होने लगती है, सब गठबंधन में साथ रहते तो ठीक रहता, तो और हो सकता है मेरी इबादत और पूजा में कटिहार, पूर्णिया, इस इलाके में, मधेपुरा में कभी रह गई, तो लगा चलिए एक लार्जर कॉज भी है, सामने देश भी है, डेमोक्रेसी भी है, एक विचारधारा ऐसी है जो व्यवसायियों को, किसानों को समाप्त करने में लगी हुई है, और एक विचारधारा ऐसी है जो 6,000, 4,000, 10,000 किलोमीटर चल के लोगों के दिल को जीता है, वो युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, और ऐसा नेतृत्व जो बेबाक ठंडे में आप गंदी कुह करके जो लगातार संघर्ष कर रहा हो आज़ाद हिंदुस्तान में और दुनिया में, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, ऐसा संकल्प, तो जिस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें जनता के बीच हमें लगा कि हमें और लार्जर सोच के साथ और मजबूती के साथ आने की जरूरत है। तो उसमें लालू यादव जी ने भी कहा कि आप मेरे दल में आ जाइए, 9 तारीख को मधेपुरा से चुनाव लड़िए, तो मुझे लगा कि बिगर बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता और एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश इसको उम्मीद से देखे, तो मैंने मधेपुरा से लड़ने से मना कर दिया। प्रियंका जी का जो विश्वास, जो ताकत हमें मिली, और राहुल गांधी का जो लंबा लगातार मेरे साथ सदन सदन के बाहर सानिध्य रहा, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो मुझे लगा चलिए लार्जर कॉज के लिए हमें एक बड़ी विचारधारा के साथ आना चाहिए। मैं पहले से भी उस विचारधारा के साथ था, रंजीत रंजन जी 19-20 साल से कांग्रेस में थी, तो हमने उस प्लेटफॉर्म को चुना जिससे देश को भी। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ आपने पार्टी का विलय किया, वो उद्देश्य की पूर्ति
होते हुए नजर नहीं आ रहे। कोई उद्देश्य नहीं कि आप कांग्रेस को नंबर वन कर कांग्रेस की आइडियोलॉजी चुनाव लड़ना है। अच्छा, हम चुनाव में मिले कि नहीं है तो कोरोना से लेकर पटना बाढ़ से लेकर आपके यहाँ सब घटना से लेकर कटिहार में बैरसोई में गोली चली, लोग मरे, आंदोलन हुआ, संघर्ष किए, किसी को हम जेल ले जाने दिए, मर्डर होता है वहाँ जाके मदद करते हैं, तो आप खुद कहिए ना कि कटिहार आपके बीसी में है, कटिहार का आपका प्रमुख चैनल है, कटिहार का कोई गरीब बता सकता है कि पप्पू यादव नहीं आए मदद की, या कोई घर बता सकता है कि हमें न्याय नहीं मिली वहाँ जाने के बाद। तो जब मेरा परिवार है कटिहार पूर्णिया ये सब घर है और मैं चाहता हूँ इस इलाके को नंबर वन करना, तो मुद्दा वही है, मुद्दा तो मेरा ये नहीं है, उम्मीद है पप्पू यादव हर गरीब पर हर आदमी को। लेकिन विलय होने के बाद पूरे बिहार में यह चर्चा थी कि पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि आज बीमा भारती को इंडिया सर मैं प्रवक्ता नहीं ना हूँ जी, वो मैं दिल से उनके परिवार की तरह हूँ और जहाँ भी मैं लड़ूँ या न लड़ूँ या पूर्णिया की जनता को अकेला ना छोड़ूँ, उनको बेटा चाहिए, तब भी मैं अगल बगल कोशिश करूँगा इंडिया गठबंधन जीते, साथ रहूँ, ये याद रख लालू जी के साथ रहूँ, मदद करूँ, वो जितना दिल से निकाले मैं कभी दिल से नहीं, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़। आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड भी है और आप जीते भी, सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, विधानसभा भी पहली बार निर्दलीय जीते हैं, अगर आपको इंडिया गठबंधन टिकट नहीं देती है तो उस परिस्थिति में क्या भैया आप टिकट देती है नहीं देती है, नेतृत्व तो कोई फैसला लेगा ना मेरी, आपको नॉमिनेशन का भी या नेतृत्व तो कोई मेरी भूमिका के बारे में फैसला लेगा ना, लेने दीजिए, आप काय गहरी चिंता कर, हमें कहेगा ना कि दल के प्रति आप काम करिए छोड़ दीजिए चुनाव, तो फैसला तो लेने दीजिए, तब ना मैं अपने बच्चों की तरह अपनी बात रखूंगा। आप इसको समझिए कि आजीवन कांग्रेस के साथ। अगर पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस का उम्मीदवार होता है तो किन किन लोकसभा क्षेत्रों में इसका फायदा होने जा रहा है, जनता से न पूछिएगा, कोशी सीमांचल मिथिलांचल पूरे बिहार में क्या असर पप्पू यादव का है तो जनता तय करेगी ना, मेरा घर है तो मेरे घर में तो बेटे का तो असर स्नेह तो रहता ही है ना, वो रहेगा। हर आदमी पप्पू यादव के बारे में देश में पूछ रहा है, पूर्णिया पूर्णिया का बताइए, हर चैनल हर सोशल मीडिया पूर्णिया, सिर्फ पूर्णिया। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आखिरी बार कब बात हुई आपके शीर्ष नेतृत्व से, हमेशा आश्वासन दिया गया, हमेशा संवाद रहती है और अपनी बात में संवाद के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को कह देता हूँ, कांग्रेस में की अपने तरीके हैं, अनुशासन है और वो सब कुछ पहुँचता है। आपके जो वर्कर हैं काफी चिंतित हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा, वर्कर जन अधिकार पार्टी के द्वारा ही चुनाव लड़ने की तैयारी किया था ना, वो हतोत्साहित कैसे हो जाएगा? मैं जब तक जिंदा हूँ हमारे वर्कर मेरे परिवार हैं, तो उस दिन हम चुपचाप आत्महत्या कर लेंगे जिस दिन मेरे वर्कर के आंख में आंसू हैं। मैं जिंदा हूँ, आपके मन में यह ख्याल आती है कि आपके वर्कर आपके साथ हैं ना कि पार्टी के साथ? हमारे वर्कर हमेशा विचारधारा के साथ हैं, अनुशासित हैं और वो इंसानियत के अलावे जाति नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे साथियों के भीतर कोई जात पात नहीं होती, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे वर्कर एक इंसान है और इंसान हो गए तो समझिए कि दुनिया जीत लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि अब शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, जो भी उनका फैसला होगा वो मानेंगे, उसके बाद तय होगा कि पूर्णिया से चुनाव लड़ना है या कहीं और से, लेकिन इनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अरुण के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए।